यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने मास्को पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने के साथ रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया। हालांकि भारत का रुख इसके उलट रहा। इस दौरान भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने रूस से अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। भारत ने मई में 8.19 लाख बैरल प्रति टीन कच्चा तेल खरीदा, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 2.77 लाख BPD और एक साल में ये 33,000 BPD रहा था। इसके साथ ही सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति वाला देश बन गया। इराक पहले स्थान पर है। वहीं भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि रूस सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेच रहा है, इसलिए हम रूस से खरीदारी जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, भारत अगर रूस से खरीदारी बंद कर देता है या पूरी दुनिया भी उसी दाह पर चलने लगी तो कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। रूसी तेल की मांग में गिरावट की भरपाई के लिए चीन के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। इसी की वजह से यूक्रेन युद्ध को लेकर मास्को को अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिश को झटका लगा है। वहीं अधिकारी ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने वहां से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था, जबकि चीन खरीदार बना रहा। इससे चीन आर्थिक रूप से काफी लाभ उनको मिला है। वहीं इसलिए रूस के मामले में भारत उन पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता है। वहीं बता दें कि चीन अगर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता है। भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मोदी सरकार अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिश्ते को महत्व देती है, लेकिन घरेलू जरूरत पहले आती है और रूस ऊर्जा सहयोग के मामले में अमेरिका से बेहतर दोस्त रहा है, इसलिए छूट का दायरा कम होने के बावजूद भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता रहेगा। रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले पर उठाने वाले सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, भारत से आने वाले धन को यूक्रेन युद्ध के लिए वित्त पोषण के रूप में क्यों देखा जाता है, यूरोप भी रूस से गैस खरीदता है। वहीं उन्होंने कहा कि यूरोप एवं अमेरिका ने तेल के अन्य स्रोत को पूरी तरह निचोड़ लिया है, फिर कहते हैं कि आप बाजार में नहीं जाएंगे, ये उचित दृष्टिकोण नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।